Hello everyone, welcome to our channel Cozy Study. Simplification short tricks में आज हम देखेंगे maximum and minimum find करना कि पहले type 1 है आपके पास इस तरीके का question दिया रहता है 2 to the power 60, 3 to the power 48, 4 to the power 36 और 5 to the power 24. तो इतनी बड़ी powers की value तो आपको ना पता होती है और ना आप निकाल सकते हो exam में, इतना time हमारे पास नहीं होता है. तो इसके लिए क्या short trick है कि हम उसको easily find करें कि इसमें कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है या फिर ascending order या फिर descending order. और फिर एक टाइप टू ये होता है जब वैल्यूज रूट में दी होती है और आपको पूछा हुआ होता है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले टाइप वन देखते हैं हम इसका. तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको जस्ट जो इनकी पावर्स दी हैं 60, 48, 36 और 24, इसका HCF देखना है. तो HCF ऑफ 60, 48, 36 एंड 24 इज 12. तो इनका HCF निकल गया 12. अब आपको इसमें से इन सब में से 12 कॉमन ले लेना है. तो फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 60 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 तो ये लिखा हमने 2 टू द 5 टू द पावर 12 12 5 60. सेम हम 3 टू द पावर 48 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 12 4 48. ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 36 को 4 टू द पावर 3 इंटू 12 12 तिया 36. आपको क्या करना है, जस्ट आपको जो HCF आया है ना उसको कॉमन लेना है, बस 12 को कॉमन लेना सब में से. अब लिखिए 5 टू द पावर 24 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 12. सब में से 12 कॉमन ले दिया हमने. अब आप क्या करिए, इस अंदर की जो पावर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, इनको खोल सकते हो. 2 टू द पावर 5 की वैल्यू सबको पता ही, हम निकाल सकते हैं, तो ये होती है 32. 3 टू द पावर ये 12 इसकी वैल्यू अभी तक रहेगी. 3 टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 81 12. 4 टू द पावर 3 की होती है 64 एंड 5 टू द पावर 2 की वैल्यू होती है 25. तो अब आपको पता चलिए, आपको एक कॉमन पावर पता चल गई है सबकी कि 12 12. तो अब इन 12 को अगर आप कैंसिल भी कर देंगे, छोड़ देंगे, तो बस आपको बेस देखना है. तो बेस सबसे बड़ा किसका है, 81. तो ये सबसे बड़ा आपका क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर हो गया. और सबसे छोटा बेस किसका है, 25. तो ये हो गया आपका मिनिमम. सेम अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में पूछा होता है या डिसेंडिंग, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, आप इसको इजिली कर लेते. अब एक दूसरा क्वेश्चन है जो रूट 2, क्यूब रूट 3, क्वाड्रिक रूट 5 और क्यूब रूट 2. तो यहाँ पे सब रूट में दिया हुआ है. अब ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको HCF निकालने के लिए बोला था जब पावर्स वैसे दी थी, लेकिन इस वाले में क्या करना है, आपको LCM निकालना है. तो रूट 2 को आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2. जो ये पावर क्यू रूट में होती है इसको 1/2 में लिख सकते हैं. 3 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 2 की पावर 1/3. अब आप इसका LCM निकाल लीजिए. तो LCM इसका क्या होगा, 2, 3, 4 और 3 का LCM होगा आपका 12. तो अब इसको आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको. तो ये हो जाएगा 12 × 1/2. सेम यहाँ पे भी ऐसे होगा, 1/3, 1/4, 1/3. तो इसकी वैल्यू हो गई 6, 4, 3 और 4. तो ये आ गया आपका 2 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 4. अब इस वैल्यू को आप खोल दीजिए. ठीक है, तो इससे आपको तो 2 टू द पावर 6 होता है आपका 64, ये हो गया 81, ये हो गया 125 और ये हो गया 16. तो सबसे बड़ा नंबर क्या आया आपका, 125. तो सबसे बड़ा यहाँ क्या होगा, ये. और सबसे छोटा आया आपका 16. तो यहाँ सबसे छोटा क्या होगा, ये. तो सेम आपको बस जब रूट्स में वैल्यू दी हो तो आपको LCM फाइंड करके
पावर्स सेम करनी है, और जब आपको ऐसे वैल्यूज जो पावर्स दी हो तब आपको एचसीएफ लेके कॉमन लेके पावर सेम करनी है।